इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। मासूम बच्चे को ऑक्सीजन की नली लगा रहा है सिक्योरिटी गार्ड। हर जगह होता है भैया, किस तरह साथ में जाती है। व्यवस्था करने तो मैं एम्बुलेंस ऊपर ले जाता, इतना भी नहीं करना चाहिए, वहीं घुसेड़ देता। लो भैया दे दो। एम्बुलेंस के अंदर मासूम को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ऑक्सीजन देने का वीडियो आया सामने। बना दिया हमने तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हैं। वो फोन पे हमसे पूछ रहे हैं यहाँ से कैसे जाएगा ऑक्सीजन से। व्यवस्था कर दे तो मैं ऊपर ले जाऊँ गाड़ी। हर जगह होता है भैया, किस तरह साथ में जाती। व्यवस्था कर दे तो मैं एम्बुलेंस ऊपर ले जाता, वहीं घुसेड़ देता। ये तस्वीर बयां करती है स्वास्थ्य विभाग की बदहाली। ये पूरा मामला जबलपुर के लेडी एलगन अस्पताल का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीर। मासूम बच्चे को ऑक्सीजन की नली लगा रहा है सिक्योरिटी गार्ड। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एलगन हॉस्पिटल में एक भी मेल गार्ड नहीं रहता है। वहाँ जितने भी गार्ड्स हैं वो फीमेल गार्ड है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो वो वीडियो एलगिन का नहीं है और 108 के अंदर का दिखाई दे रहा है वो वीडियो, लेकिन मुझे यही संदेह हो रहा है कि चूंकि वहाँ एक भी मेल गार्ड नहीं है तो ये मेल गार्ड वहाँ कहाँ से आ गया, और या वो वीडियो वहाँ का है कि नहीं। और यदि ऐसा हुआ है, मान लीजिए, तो जब से नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार अस्पतालों का काम चल रहा है, जैसे एलगिन आपको मालूम है एनक्वेस्ट सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, तो उनके निर्देश ये रहते हैं कि हम अपने टॉप टू बॉटम जो भी स्टाफ है उसको हर तरह की ट्रेनिंग दें, उनका उपयोग ना करें रेगुलरली, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अचानक किसी को ऑक्सीजन लगाना है या इवन हम लोग CPR जिसको अपन बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कि हार्ट बंद हो गया किसी का तो पंपिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम गार्ड को, हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी, हमारे यहाँ तक के ऑफिस के जो क्लैरिकल स्टाफ है, डॉक्टरों को तो आता है, इनको भी सिखाया जा रहा है, जिससे बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में, बहुत ही आकस्मिकता की स्थिति में अपन उनका उपयोग कर सकें। देखिए, यदि वहाँ नर्स खड़ी हो, डॉक्टर खड़ा हो, उनकी उपस्थिति में यदि गार्ड उसको लगा रहा हो तो ऑब्जेक्शनेबल इसलिए कि ये सिस्टर ने क्यों नहीं लगाया। वहाँ मुझे सिर्फ मरीज और उसके बच्चे और उसके रिश्तेदार ही दिखाई दे रहे हैं। तो दो ही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि मेल गार्ड एलगिन में है नहीं, और दूसरा गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि ये निर्देश ऊपर से है कि उनको ये पता होना चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का बाबू से लेके, चपरासी से लेके, गार्ड से लेके, सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनको तक ये ट्रेनिंग देने का निर्देश शासन का है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।